झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक केंद्रीय अध्यक्ष सीबू सोरेन की अध्यक्षता में रांची के मोराबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला के सभागार में आहूत की गई। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के केंद्रीय संगठन सचिव विनोद कुमार पांडे ने बताया कि झारखंड कोलियरी महाधिवेशन हर 3 वर्ष में अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में फिर नई कमेटी की घोषणा की जाती है। उसके पहले विभिन्न प्रक्रिया होती है। उन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आज कई कमेटियां भंग भी होगी और नई कमेटी का पुनर्गठन भी होगा। केंद्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीति के खिलाफ 28 एवं 29 मार्च को विभिन्न श्रमिक संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस बैठक में विशेष रूप से जो कार्यकारिणी के सदस्य झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के, उनको आमंत्रित किया गया है और उनके बीच में जो चर्चाएं हो रही है वो प्रत्येक 3 वर्ष में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन का महाधिवेशन होता है और उस महाधिवेशन में फिर नई कमेटी की घोषणा की जाती है, नई कमेटी चुनी जाती है। उसके पहले विभिन्न प्रक्रियाएं होती है, उन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आज की बैठक में निर्णय लिए जा रहे हैं। कई कमेटियां भंग होगी, कई कमेटियों का पुनर्गठन होगा और महाधिवेशन का स्थान और तिथि भी निर्धारित किया जाएगा। उसके अलावा 28 और 29 मार्च को विभिन्न श्रमिक संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये केंद्र सरकार के मजदूर किसान विरोधी नीति के खिलाफ में ये बंद है। उसमें झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की भूमिका क्या होगी, किस तरह से हम सहयोग करेंगे, किस तरह से मजदूरों को उनका हक दिलाएंगे, किस तरह से किसानों को उनका हक दिलाएंगे, इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है और उस बंद को कैसे सफल किया जाए उसकी भी रणनीति आज हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से महक मिश्रा की रिपोर्ट।